राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं कन्या राशि का राशिफल लेकर, जो कि 16 फरवरी 2020 का है। सबसे पहले मैं आपको पंचांग बताती हूं। 16 फरवरी 2020 दिन है रविवार, सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि है, अनुराधा नामक नक्षत्र है, कौलव नामक करण है, ध्रुव नामक योग है और चंद्रमा संपूर्ण दिन वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है, उसमें संचार करेंगे। और अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो चंद्रमा क्षीण है, लेकिन जो कन्या राशि है उनके लिए जो चंद्रमा है वो तीसरे बने हैं। तीसरे चंद्रमा गोचरीय दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो आपका जो दिन है बेहतर बनेगा, संबंधों में सुधार होगा यदि किसी के साथ कुछ बिगाड़ कर रखा था तो। लेकिन ये जो दिन है आपके लिए अनुरूप रहेगा, अनुकूल रहेगा, तो इस दिन आप कोई भी जो महत्वपूर्ण काम है वो आप निपटा सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की जो गोचरीय स्थिति है उसका जरूर ध्यान रखें कि चंद्रमा नीच राशि में है, तो 100% अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सिर्फ चंद्रमा का जो गोचर आपकी तृतीय भाव से संचरण कर रहा है वो आपको फायदा देने वाला बना है, तो कम मेहनत में अधिक सफलता ये आपको मिलेगी इस दिन। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हरे गणेश जी की पूजा करें, भोजन में थोड़े साबुत मूंग ग्रहण करें, हरे रंग के कपड़े पहनें, इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, तो दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल रह सकता है।